everyone. I hope you are happy and pleasant. Today I am here with this short video to discuss with you World Mental Health Day is being celebrated today. आप जान रहे हैं कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट हो रहा है पूरे विश्व में, और 2023 का जो थीम है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का, वो भी आप जान रहे हैं. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का जो एक स्पेशल थीम होता है, एक टैगलाइन होता है, तो थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, और इसका टैगलाइन है आवर माइंड आवर राइट्स. टुडे आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू सम डिफरेंट सिनेरियो एंड एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. आज मैं कुछ दूसरे चीज़ों पर बात करूँगा. आप जानते होंगे कि दुनिया में जो वर्ल्ड बेसिस पे जो रैंकिंग बनता है हैप्पीनेस का, तो इंडिया जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के रैंकिंग में इंडिया इज़ एट 126th आउट ऑफ 146 कंट्री. यू आर सरप्राइज्ड? यस, इट इज़ फैक्ट. इंडिया जो है हैप्पीनेस के मामले में 126वें रैंक पे है 146 देशों के बीच में. तो आप समझ सकते हो. एक और डेटा बहुत ही सोरोफुल है और बिल्कुल ही चिंता की बात है कि सात में से एक बच्चा डिप्रेशन में रहता है. यू कैन इमेजिन, सात में से एक बच्चा डिप्रेशन में रहता है, तनाव में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है. मैं क्यों ये सब बात कर रहा हूँ? क्योंकि आज हम लोग कमेमोरेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. तो हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए, अपना आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए कि किस लेवल पे हम लोग हैं अभी. एक और बात है कि अगर सात में से एक बच्चा डिप्रेशन में है तो उसको मेडिकल सुविधाएं कितनी मिल पाती है. तो एक डेटा में, एक स्टैटिस्टिक्स में आया है कि केवल 1% बच्चों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है. ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये बहुत ही ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट और ऑथेंटिकेटेड न्यूज एजेंसी के आंकड़े हैं. WHO भी कहता है कि इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो आज मैं इसी से रिलेटेड कुछ बातें करूँगा कि आखिर ये मेंटल हेल्थ का कनेक्शन हमारे फिजिकल हेल्थ से कैसे है, और इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, एंड इस पे हम सुधार कैसे ला सकते हैं. हमें अपना जीवन तनावपूर्ण और बीमारी से रहित जीने के लिए, कहने का मतलब है कि अगर हमें अपना जीवन निरोग रह करके जीना है और तनाव से मुक्त होकर के जीना है, उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी होता है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य. यानी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमें मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा अगर हमें खुशी भरा जीवन जीना है तो. लेकिन क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? तो कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है. तो इसी संदर्भ में प्रत्येक साल को 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पे मानसिक दिवस मनाया जाता है. जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और हैप्पीनेस के इंडेक्स में भारत जो है वो बहुत ही पीछे है, यानी कहने का मतलब 126 रैंक में है. तो मैं बात करना चाहता हूँ कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है. तो इसको अपने सरल शब्दों में अगर समझें तो शारीरिक स्वास्थ्य के ख्याल रखने को ही लोग समझता है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. यानी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास को मानसिक स्वास्थ्य हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है. तो फिर अपने संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग जब हम करते हैं और अपना जीवन जो है तनाव मुक्त करने के लिए और अपने समाज के विकास के लिए जो काम करते हैं, और अगर मेरा मस्तिष्क सही है तो हम मानसिक स्वस्थ कहलाते हैं. सबसे पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि मानसिक स्वास्थ्य आखिर ये सिम्टम्स हो कैसे जाता है,
यानी मानसिक स्वास्थ्य जो है वो खराब कैसे हो जाता है, क्या ऐसा हो जाता है जो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, तो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं वो कौन से कारण हो सकते हैं। ओवरथिंकिंग हो सकता है बिल्कुल, और बहुत कम फ्रेंडशिप हो, बहुत कम बातें हो, ये सब हो सकता है। तो तनाव भरी ज़िंदगी हो सकती है, और जिसमें कई सारे कारण शामिल हैं। अगर मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताने की कोशिश करूं तो पारिवारिक मतभेद हो सकता है, सामाजिक मतभेद हो सकता है, सांस्कृतिक मतभेद भी हो सकता है। अपने किसी मुश्किल काम का तनाव होना, और ऐसे ही कई सारे कारण हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। तो अपना तनाव मुक्त और निरोग जीवन के लिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का होना कितना ज़रूरी है, ये आप खुद समझ सकते हो। इसीलिए फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वो व्यक्ति बाकी व्यक्तियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मेहनती और आत्मविश्वासी होता है। इसलिए वो हमेशा किसी भी मुसीबतों का सामना पूरी हिम्मत से करता है, ना कि उस मुसीबत से डर कर भागता है। इसलिए हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत ही अधिक ख्याल रखना होता है, क्योंकि यह भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं एक शिक्षक हूं, और शिक्षक के रूप में मैं बच्चों से रिलेटेड भी बात करना चाहता हूं। और जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया कि 7 में से 1 बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है, और आपको पता है कि इसमें से 1% से भी कम बच्चों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। और इसको समझने के लिए बच्चों के दोस्त कैपेसिटी नहीं रखते हैं और बड़े समझना नहीं चाहते हैं, तो उसका जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, वो घुटन सी जिंदगी जो बच्चे जीने लगते हैं। और इसमें से बहुत सारे जो नेगेटिव थॉट डेवलप हो जाता है, और बहुत सारे सुसाइड कमिट भी कर लेते हैं। खैर, मैं नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना चाहता, आई वांट टू डिस्कस सम पॉजिटिव थिंग्स। तो कुछ स्टडी कहता है कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस पर भी डायरेक्ट असर करता है, ठीक है, जिससे फ्यूचर में डायबिटीज़ और अदर जो बीमारियां होती हैं उसके कारण और लक्षण थोड़ा दिखाई देते हैं। बच्चों पे जो हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, या उसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है 14 नवंबर को, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हमें बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम बच्चे को सिर्फ ये कह रहे हैं कि चिल्ड्रन जो है वो फ्यूचर है किसी भी सोसाइटी और कंट्री का, बट हम उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, इस पर भी हमें आज सोचने की ज़रूरत है। इंडिया जहाँ हाईएस्ट सुसाइड रेट है, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया को मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री भी माना जाता है ना, सरप्राइज करने वाली बातें। तो आखिर हमारे सोसाइटी में मेंटल इलनेस को लेकर कभी खुलकर बात क्यों नहीं की जाती, क्यों लोग इससे बचते हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे यहाँ तो मेंटल इलनेस से जूझ रहे व्यक्ति को पागल करार दिया जाता है, और उससे बात नहीं किया जाता है, बल्कि उसे किनारा किया जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि मेंटल इलनेस जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूं, एक्चुअली में ही मेंटल जो इलनेस है वही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, यानी मानसिक जो बीमारियां होती है। यह बच्चों में इतना कॉमन क्यों है, इसके कारण हो सकते हैं जैसे ओवरथिंकिंग हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, पेरेंटल प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि पेरेंट बहुत एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, और टीनेजर में फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के भी बच्चे जो है थोड़ा सा तनाव में रहते हैं। हम खुद से खुद को दूसरों से कम आंकते हैं, यह भी हमारा एक मेंटल इलनेस का कारण हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति के पास एक जैसा टैलेंट नहीं होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है तो कोई खेल में, कोई गाना गाने में तो कोई आर्ट म्यूज़िक में, हर कोई अपने आप में यूनिक है, खास है। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करके और खुद के इम्प्रूवमेंट एंड एनहेंसमेंट पे काम करना चाहिए लोगों को।
लोगों को यह समझना होगा कि डिप्रेशन एंग्जाइटी यह कोई साधारण बात नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इशू, यह एक चिंता का विषय है, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है और इससे बचने के कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। तो दिन की शुरुआत जो है वो अच्छे चीज़ों से करना, हम खुद के लिए सुबह एक घंटा निकालें और थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो मी टाइम है ना, मी टाइम मतलब खुद के लिए समय ऐसा कुछ बनाएं, और रेगुलर योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमिए, उन लोगों के साथ बात कीजिए, खुद को खुश रखना हमेशा ज़रूरी है, उसके बहाने ढूंढिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार कीजिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, नेचर के साथ जुड़े रहिए, और जीवन में दो चार खास दोस्त हों जिसके साथ आप खुल के बात कर सकें, यानी कोई भी ऐसा मैटर हो जो बात कर सकें विदाउट हेजिटेशन, ये ज़रूरी है। और ये सारे चीज़ों को अगर आप करते हैं अपने जीवन में और खुशियों को ग्रैब करते हैं, आप तनाव मुक्त रहेंगे और तभी तो तनाव आपको छोड़ेगा। इट मीन्स टू से, अगर आप तनाव को छोड़ेंगे तभी तो तनाव आपको छोड़ेगा, राइट? इंग्लिश में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कहता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डोंट डिफाइन यू, दे आर समथिंग दैट यू एक्सपीरियंस, इट इज सेम एज यू वॉक इन रैन एंड यू फील रैन बट यू आर नॉट एक्चुअली रैन। हम लोग मेंटल हेल्थ डे के बारे में सारी बातें कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ एक और लाइन है जो शायरी के रूप में यूज़ करता है लोग, कि कभी कभी अपनों को समझकर उनसे बातें करना ज़रूरी है, कभी कभी अपनों को समझकर उनसे बातें करना ज़रूरी है, उन्हें उनकी ख्यालों की जेल से आज़ाद कराना ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण स्तर है, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण स्तर है, मानसिक स्वास्थ्य एक मंजिल नहीं यह एक खूबसूरत सा सफ़र है, मानसिक स्वास्थ्य एक मंजिल नहीं यह एक खूबसूरत सा सफ़र है। अगर मैं अपना ओपिनियन इसमें ऐड करूं इस डिस्कशन में, आई वॉन्ट टू गिव माई ऑन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओपिनियंस, तो मैं ये कहूँगा कि शारीरिक स्वास्थ्य पे जितना ध्यान दिया जा रहा है मुझे लगता है ये इंटरकनेक्टेड है मेंटल हेल्थ से, है ना, मेंटल इलनेस से, तो हमें फोकस मेंटल इलनेस को कम करना यानी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत मुझे लग रहा है ज़्यादा है, तो हमारा फोकस उस पर ज़्यादा होना चाहिए। हम जो हमारा जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिनट टू मिनट आते रहते हैं, तो उससे हमें बचना होगा और उसको सहने का मीन्स टॉलरेट करने का भी एक एटीट्यूड बिल्डअप करना होगा, और दूसरे लोगों के अंदर जो पॉजिटिव थिंग्स हैं, जो पॉजिटिव बिहेवियर है, उन पे हमें बात करना होगा बजाय ना कि नेगेटिव चीज़ों पे। और हम अपने लक्ष्य को जो प्राप्त करना चाहते हैं उस पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिवोट हो जाते हैं और अपना पर्सनल लाइफ उसमें डिजास्टर्स कर देते हैं, यानी बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, रुइन कर देते हैं। तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई के साथ साथ हमें एक इंटरटेनमेंट के लिए भी समय निकालना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें किया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को लेकर के, और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो इस लास्ट कंक्लूजन में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सभी को एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने की ज़रूरत है, और हमारे आसपास जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके सामने भी इस तरह की नज़ीर पेश करना है ताकि दे कैन ऑब्जर्व अस हाउ टू डील विद देम, और दे आर फ्री, दे हैव टू इंटरटेन देयर लाइफ, दे हैव अ राइट्स टू डू इट, राइट? एंड वी आर लाइबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आपका एक बिहेवियर, एक एटीट्यूड आपके समाज को अफेक्ट करता है, तो इस पे ध्यान रखना है। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर राइट्स वी मस्ट रिमेंबर आवर ड्यूटीज़, ओके? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कुछ टॉपिक पे, तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी।